पीएम मोदी को नमस्ते कहने के इस एक ट्रेस ने चार्ज किए 10 लाख। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में भाग लेने आई एक ट्रेस यामी गौतम ने कहा कि वे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रही हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। खूबसूरत बॉलीवुड एक ट्रेस को राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2019 की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए खुशी हुई। पिंक सूट पहने एक्ट्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी हाथ जोड़कर स्वागत किया। अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए यामी ने लिखा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्य उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह जी का मेरे गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2019 के लिए स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक ट्रेस यामी गौतम को इस इन्वेस्टर्स मीट में आने के लिए 5 लाख रुपए दिए गए हैं, जिसमें ट्रैवलिंग और अन्य खर्चे शामिल नहीं हैं। यामी ने प्रधानमंत्री मोदी को हिमाचली कैप और मफलर पहनाकर उनका स्वागत किया। हिमाचली कैप की कीमत बाजार में 200 से 1500 रुपए के बीच में है, जबकि मफलर 11000 से 1 लाख रुपए तक आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसके अलावा उनके साथ आने वाले 2 अन्य लोगों का 3 दिन तक पूरा खर्चा राज्य सरकार ने उठाया। यामी और उनकी मैनेजर के लिए बिजनेस क्लास और उनके टीम मेंबर्स के लिए इकोनॉमी क्लास में टिकट से लेकर होटल में स्टे से और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने तक सारा खर्चा राज्य सरकार ने ही उठाया है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इन सब चार्जेस को मिलाकर सरकार के 5 लाख रुपए और खर्च हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि राज्य सरकार सिर्फ प्रधानमंत्री का वेलकम करने पर 10 लाख रुपए खर्च रही है, तो अन्य जगह कितना खर्च हो रहा होगा।